तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल होता क्या है सबसे पहले हम वो जानेंगे, और उसका कहाँ पे यूज करना है हमें वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक एक्टिविटी और एक लाइफ साइकिल। तो जैसा कि आपको पता होगा जितने भी स्क्रीन हम डिजाइन करते हैं उसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे एक्टिविटी कहते हैं। और लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की लाइफ जो होती है वो शुरू से लेके अंत तक, यानी कि उसके क्रिएशन से लेके उसके एंड तक जो साइकिल होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए लेके चलता हूँ अपने क्रोम पे। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, और अब हम बनेंगे एंड्रॉइड के चैंपियन। और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइफ साइकिल। यहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल सर्च किया, और यहाँ के बाद हम चलते हैं यहाँ पे एक इमेज वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे हम देख लेते हैं किसी भी चीज़ का लाइफ साइकिल देख लेते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, हर चीज़ का कोई ना कोई लाइफ साइकिल होता ही होता है। जैसे कि पेड़ का हो गया, जानवर का हो गया, ह्यूमंस का हो गया, जैसे कि मान लो आपका कंप्यूटर है उसका भी कोई ना कोई लाइफ साइकिल होता है। तो लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, जैसे कि हमने एक बीज डाला सॉइल में, हमने क्या डाला, बीज डाला, और बीज से क्या बना, वो थोड़ा सा छोटा सा पौधा बना, पौधा के बाद क्या बना, वो झाड़ी बना, और झाड़ी के बाद वो क्या बना, पेड़ बना, और पेड़ बनने के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम बाद वो क्या हो गया, सूख के, और वो क्या हो गया, लकड़ी में बदल गया, और मतलब उसकी डेथ हो गई। यानी कि हमने क्या किया, ये इसकी एक पेड़ की क्या हो गई हमारे पास, ये लाइफ साइकिल हो गई। यानी कि किसी भी चीज़ का जन्म से लेके डेथ तक जो चीज़ें होती है वो क्या कहलाता है, उसका लाइफ साइकिल कहता है। जैसे हमने कंप्यूटर लिया है, तो आज हमने लिया है कंप्यूटर, लेकिन उससे पहले क्या होगा, वो कंप्यूटर बना होगा, फिर बनने के बाद हमारे पास आया, फिर हमने उसको यूज़ किया, आफ्टर सम टाइम बाद वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम करेगा, फिर कुछ टाइम बाद वो क्या करेगा, धीरे धीरे काम करने लगेगा, फिर उसके कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसके कुछ पार्ट्स या पुर्जे चलना ही बंद हो जाएंगे, जैसे कैमरा चलना बंद हो गया, कीबोर्ड चलना बंद हो गया, और आफ्टर सम टाइम बाद वो क्या होगा, बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएगा, यानी कि अब उसको हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या हो गया, उसका लाइफ साइकिल क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ का जन्म से लेके अंत तक जो चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। तो आज का इसका टॉपिक का नाम क्या है हमारा, एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे मैंने एक्टिविटी लाइफ साइकिल की सर्च किया, तो बहुत सारे मेरे पास डायग्राम आ रहे हैं, मैं कोई सा भी डायग्राम यहाँ पे ले लेता हूँ, और हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्टिविटी लाइफ साइकिल, ठीक है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होते हैं इसमें 7 मेथड होते हैं, यानी कि 7 मेथड होते हैं जिसमें हमारा एक्टिविटी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जैसे पेड़ का मैंने आपको बताया था, हमने एक बीज लगाया तो 1 हो गया वो, उसके बाद वो पौधा आया तो 2 हो गया, उसके बाद वो झाड़ी बनी, यानी कि वो हो गया उसका 3, उसके बाद वो पेड़ बना 4 हो गया, उसके बाद लकड़ी बना तो वो उसका 5 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया, तो वो हो गया उसका मतलब 5th लाइफ साइकिल थी उसकी। तो ऐसे हमारे पास एक्टिविटी की कितनी लाइफ साइकिल होती है, 7 लाइफ साइकिल होती है। जैसे कि ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, और ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, और ऑन डिस्ट्रॉय। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 3, और ये 3, और एक लास्ट क्या होता है हमारे पास, ऑन रीसेट। तो ये हमारे पास इसकी 7 लाइफ साइकिल होती है, किसकी, एक्टिविटी की। तो जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि पेड़ जो था उसकी एक एक एक्टिविटी, मतलब कि उसकी एक एक लाइफ साइकिल थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी में क्या होता है, जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन को रन करते हैं, जैसे मतलब हमने कोई एप्लीकेशन चलाया, मान के चलो मैंने यहाँ पे चलाया प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर चलाते हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटी कॉल हो गई, 3 एक्टिविटी कॉल हो जाती है यहाँ पे, कॉल होने का मतलब कि वो स्टार्ट हो जाती है। पेड़ में क्या हो रहा था, हमने बीज लगाया तो वहाँ पे बीज ही लगा था ओनली, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसमें क्या हुआ था कि वो पौधा बना था, और उसके बाद वो क्या हुआ था, झाड़ी बनी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने इस एप्लीकेशन पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने प्ले स्टोर पे क्लिक किया, तो क्लिक करते मेरे पास क्या हो गई, 3 चीज़ यहाँ पे कॉल हो गई, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, और ऑन रिज्यूम। तो एक्टिविटी हमें हमारे पास ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद अब जो ये चल रहा है तो वो कौन से स्टेट में हमारे पास, एक्टिविटी रनिंग में है, यानी कि ये हमारे पास कौन से में, ऑन रिज्यूम में है, इसको हम ऑन रिज्यूम ही बोलते हैं, और ये अभी ऑन रिज्यूम में हमारे पास चल रहा है। तो इसके बाद की एक्टिविटी का मतलब जो आगे के प्रोसेस है वो कब होंगे, तो जैसे आपको ऑन पॉज करना है, तो पॉज कब होगा, देखो जब आप इस पे दबाओगे, मतलब जो हमारा रिसेंट वाला एक्टिविटी का बटन होता है, तो इस पे पॉज नहीं हुआ, पॉज होने का मतलब क्या होता है, वहीं पे रुक जाना। तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका जो बैनर है वो चल रहा है, तो ये हमारे पास पॉज नहीं हुआ। अगर आपको पॉज करना है तो कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा, बैक वाला नहीं, होम बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। और जैसे मैंने होम बटन पे प्रेस किया तो ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ तो ये स्टॉप ही रहेगा,
अब इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टॉप ही रहेगा, अब मैं इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मान के चलो मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, इंटरेक्ट भी कर सकता था, और मतलब इसका जो वर्किंग है वो चल ही रहा है अभी तक। तो ये क्या हुआ, हमारे पास ऑन पॉज में नहीं गया है, अभी तक ऑन रिज्यूम में ही है, मतलब इसमें कुछ काम चल रहा है तो वो चल ही रहा है अब तक। अब जब रुक जाएगा इसके अंदर का काम, जब ये हमारे पास जो एप्लीकेशन है रैम में चला जाएगा, यानी कि जैसे मैंने इस बटन पे दबाया होम पे, तो ये क्या हुआ, एप्लीकेशन हमारे रैम में चला गया। अब जितनी भी इसकी प्रोग्रेस थी वो हमारे रैम में जाके स्टोर हो चुकी है, और जैसे हम इसको वापस चलाएंगे, जैसे हमने इस पर वापस क्लिक किया, तब क्या होगा, ये वापस से जाके ऑन पॉज से वापस क्या चल जाएगा, ऑन रिज्यूम में चल जाएगा, यानी कि जहाँ पे हमने एप्लीकेशन छोड़ रखा है वहीं पे ये वापस एप्लीकेशन रन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वापस ऑन रिज्यूम में चल गया। अब मान के चलो हमें ऑन स्टॉप चलाना है, तो ऑन स्टॉप कैसे चलेगा, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है द एक्टिविटी इज़ नॉट लॉन्गर विजिबल। अगर मान के चलो बहुत टाइम तक ही हमने इस एप्लीकेशन को होम में छोड़ दिया, और हमने बहुत टाइम तक छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक जो एंड्रॉइड होता है वो एप्लीकेशन को क्लोज कर देता है, तो वो क्या हो जाता है, ऑन स्टॉप में चल जाता है। ठीक है, अब ऑन स्टॉप पे चल गया, तो हम अगर उसको वापस चलाएंगे तो समटाइम क्या होता है, हमारा डेटा तो चलो फिर भी सेव रह जाता है, लेकिन जो उसकी प्रोग्रेस वगैरह जो रहती है, हमारी स्क्रीन की जो डिजाइनिंग होती है, वो क्या होता है, वापस से लोड लेता है। जैसे कि आपने कभी कभार इंस्टाग्राम चलाया होगा, तो अपन नाइट को चलाते चलाते छोड़ देते हैं, और जब मॉर्निंग में ऑन करते हैं तो चलता तो है वो एप्लीकेशन वहीं से, लेकिन क्या होता है, उसका जो यूआई होता है ना वो रिफ्रेश होता है। आपने देखा होगा कि मतलब यूआई रिफ्रेश होता है लेकिन डेटा उसका वहीं पे रहता है, तो वो क्या होता है, ऑन स्टॉप में चला जाता है, और जब हम उसको वापस चलाते हैं तो वो वापस वो क्या जाता है, ऑन स्टार्ट में जाता है और फिर ऑन रिज्यूम में जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बहुत टाइम तक छोड़ दिया, इसको वापस चलाया, तो वो क्या होगा, पहले ऑन स्टार्ट में जाएगा फिर ऑन रिज्यूम में जाएगा, यानी कि हमारा एप्लीकेशन चलने लग जाता है। और जब मान के चलो हमने बहुत ही लंबे टाइम तक के लिए छोड़ दिया, या फिर हमारे रैम में क्या थी, 2 GB मान लो हमारे फ़ोन की रैम थी, तो क्या होगा, हमने मान के चलो दूसरा एप्लीकेशन चलाया, तो 2 GB रैम उसको कम पड़ रही है दूसरे एप्लीकेशन को, मतलब 3-4 एप्लीकेशन अपन ने चलाया और उसमें जब अगर रैम को कमी पड़ेगी, तो वो एंड्रॉयड क्या करेगा, उस जो हमने लास्ट वाला एप्लीकेशन था हमारा, तो उस एप्लीकेशन को क्या करेगा, वो उसको रैम से निकाल देगा। तो रैम से निकाल देगा तब क्या हो जाएगा, वो एप्लीकेशन ही हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप उसको वापस चलाओगे तो क्या होगा, वापस से ऑन क्रिएट कॉल होगा और ऑन स्टार्ट कॉल होगा और ऑन रिज्यूम कॉल होगा, तब जाके वो एप्लीकेशन चलेगा। ऐसा कब होता है, जब आपने कोई एप्लीकेशन देखा भी होगा कि बहुत टाइम तक छोड़ देते हैं तो वो स्टार्टिंग से चालू होता है, तो उसको क्या कहते थे हम यहाँ पे, रीस्टार्ट। तो वो क्या हो गया, वो एप्लीकेशन हमारा बिल्कुल बंद हो जाता है। तो वो जब बंद हो जाता है तो वो होता है हमारा ऑन डिस्ट्रॉय। अब ऑन डिस्ट्रॉय करने का हमें एक और तरीका है कि हम इसको डायरेक्ट एप्लीकेशन को क्लोज कर दें। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन डिस्ट्रॉय हमारे पास कॉल हो गया। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्टिविटी की लाइफ साइकिल होती क्या है। लेकिन हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इसको कैसे समझेंगे और कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो ये हम अब देख लेते हैं। तो मूव करते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे और एक प्रोजेक्ट बना के हम समझेंगे कि हमें कैसे इसको काम में लेना होता है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू डालता हूँ और एप्लीकेशन का नाम मैं डाल दूंगा एक्टिविटी लाइफ साइकिल। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट किया और फिनिश किया। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने एप्लीकेशन क्रिएट किया तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक हमारे पास ऑन क्रिएट यहाँ पे आता है। तो ऑन क्रिएट का मतलब क्या होता है, ऐसा काम आपको करना है जो हमारे एप्लीकेशन के क्लिक होते ही स्टार्ट हो जाए। तो वो सारे चीज़ हम किस में करेंगे, ऑन क्रिएट के जो ये जो ब्लॉक है इसके अंदर हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो क्या होगा, हमारे पास जैसे हम एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो ऑन क्रिएट हमारे पास सबसे पहले कॉल होता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ऑन क्रिएट कॉल हुआ और उसके बाद हमारे पास बाकी चीज़ें हुई है, जो डेटा लोड हुआ है, हमारे पास इंटरनेट से कनेक्शन चेक किया इसने, तो ये सब कब हुआ, हमारे ऑन क्रिएट में हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे काम जो कि आपको ऑन क्रिएट में करना है, तो उसका कोड आप कहाँ पे करोगे, ऑन क्रिएट में करोगे। और मान के चलो आपको कुछ ऐसा काम करना है, जैसे कि मान लो जैसे मैंने होम दबाया, तो होम दबाते मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाए या कुछ हो जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, जो होम दबाते तो हमारा कौन सा मेथड कॉल होता है, ऑन पॉज कॉल होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऑन पॉज वाले में कोड करेंगे। तो सेम हमारे पास जैसे यहाँ पे ऑन क्रिएट है, वैसे हमारे पास मल्टीपल मेथड होते हैं 7 तरीके के, जो कि होता है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास एक्टिविटी लाइफ साइकिल का मैं एक बार पेज खोल लेता हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं। पहले ऑन क्रिएट है, उसके बाद ऑन स्टार्ट है और ऑन रिज्यूम है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे इसके बाहर चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमारे पास लिख रखा है ओवर राइड फन, तो यहाँ पे हम सेम लिखेंगे ओवर राइड फन, और इसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑन क्रिएट के बाद ऑन स्टार्ट, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो आप ऑन स्टार्ट का एक फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अब ऑन स्टार्ट से रिलेटेड चीज़ें जब आपको करनी होगी तो आप इस पे करोगे। ठीक है, तो सेम हमारे पास और भी फंक्शन होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ओवरराइड फन ऑन रिज्यूम ऑन पॉज ओवरराइड फन ऑन पॉज ओवरराइड
फर्न ऑन रीस्टार्ट, इसके बाद हमारे पास बचगा ऑन ओवरराइड, फन ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये हम गिन लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने हो गया, एक हमारे पास ऑन क्रिएट का हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः, अब एक और हमारा बच रहा है वो हम देख लेते हैं कौन सा बच रहा है हमारे पास। पॉज हो गया, ऑन स्टॉप, एक हमारा ऑन स्टॉप बन गया, पॉज के बाद हमारा ऑन स्टॉप वाला बच गया। फन ऑन स्टॉप ओवरराइड, फन ऑन स्टॉप, तो ये सारे हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि जब आप काम करोगे तो ऐसा काम जब आपको ऑन स्टार्ट पे करना हो तो वो आप इसमें करोगे, ऑन रिज्यूम में आपको जो काम करना होगा आप इसमें करोगे, और ऑन पॉज में आपको जो काम करना होगा आप इसमें करोगे, और ऑन स्टॉप में आपको जो काम करना होगा वो ऑन स्टॉप में करोगे, और ऑन रिस्टार्ट में आपको जो काम करना होगा आप इसमें करोगे, ठीक है। और ऑन डिस्ट्रॉय में आपको कुछ करना नहीं होता, या फिर कर भी सकते हो, आपकी मर्ज़ी है कि जैसे एप्लीकेशन क्लोज हो तो कुछ हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ करेंगे, एक तो हम लॉग लगा के देखेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन कॉल भी हो रहे हैं या नहीं, कि काम कैसे करता है ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता तो दिया कि ये तीन चीज़ हमारे पास स्टार्टिंग में, जैसे हमने ये किया तो ये तीन चीज़ हमारे पास स्टार्टिंग में कॉल हो गई, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे दिखाने के लिए आपको यहाँ पे कोड करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल कर्सर डाल लेता हूँ, और यहाँ पे हम लगाएंगे टोस्ट, तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल कर्सर डाल रखा है। अब यहाँ पे मैं राइट करूँगा टोस्ट, और मैंने टोस्ट राइट किया और सब में डाल दिया, मैंने दिस मैसेज में मैंने डाल दिया ऑन, और सब में अपने अब सिंगल सिंगल करके हम लिख लेंगे, ठीक है। तो एक मुझे यहाँ पे भी टोस्ट लगाना था, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। और एक हमने ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया था तो मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे मैं ऑन क्रिएट को कॉपी कॉल कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑन क्रिएट, इसके बाद मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रिस्टार्ट और ऑन डिस्ट्रॉय। और एक चीज़ मुझे कॉन्टेक्स्ट में ये डालना था, अब हम यहाँ पे एक टोस्ट भी यहाँ पे, सॉरी टोस्ट तो हमने क्रिएट कर लिया, अब हमें एक लॉग भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिससे अपन को पता भी चल जाएगा, वैसे इससे भी पता चल जाएगा, और मैं आपको लॉग में भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे वापस से मल्टीपल कर्सर लगाता हूँ, तो लॉग लगा लेते हैं। तो लॉग लगाने के लिए मैं यहाँ पे मल्टीपल कर्सर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ वापस से, और मल्टीपल कर्सर लगाने के लिए शॉर्टकट है ऑल्ट और शिफ्ट, और आप जहाँ जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ वहाँ पे ऑटोमेटिक कर्सर लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉग लगाने वाला हूँ, तो लॉग लिखता हूँ मैं लॉग डी, और जो हमारा टैग है इसको हम यहाँ पे बाद में चेंज करेंगे, और जो जितने भी मल्टीपल कर्सर थे हमारे उसमें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं आई एम रनिंग, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब जितने भी टैग हैं उनको हम यहाँ पे टैग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट दबा के और ये हमने कॉलन लगाया है, सभी को आपको यहाँ पे कर लेना है, और जैसे आप करोगे तो हम इस टैग को यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। अब एक टैग को आपको कॉपी कर लेना है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद हम इसको एप्लीकेशन को करते हैं रन। अब जब मैं रन किया और अपने लॉग कैट को मैं ओपन कर लेता हूँ, फर्स्ट टाइम है इसलिए हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, यहाँ पे बिल्ड पे चल के देख लेते हैं। अब आप देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च होगा तो जो तीन मेथड थे ऑटोमेटिक इनके टोस्ट भी हमारे पास यहाँ पे कॉल हो जाएंगे। वेट कर लेते हैं, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, इंस्टॉल हुआ, ऑन क्रिएट, देखो आप मैसेज आ रहा है ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम, हमारे पास तीनों चीज़ कॉल हो चुकी है। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ, ओनली तीन चीज़ कॉल हुआ यहाँ पे, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। ऐसा मत सोचना कि अगर मैंने यहाँ पे इसका मतलब ऊपर नीचे कर दिया है तो इसके वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसको कट करके मैं अगर इसको टॉप पे भी डाल दूंगा तो भी ये काम वैसे करने वाला है, मान के चलो मैंने इसको भी कट करके ऊपर डाल दिया तो भी आपको ये ऐसे ही काम करेगा। तो मैं वापस रन करता हूँ एप्लीकेशन को और चेक करते हैं, देखो अब क्या हुआ, वापस ऑन क्रिएट कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम यहाँ पे कॉल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑन क्रिएट सबसे पहले कॉल हुआ, फिर उसके बाद ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, और उसके बाद ऑन रिज्यूम यहाँ पे कॉल हुआ है। तो ऐसा कुछ मतलब नहीं था कि मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया तो उसके वजह से हमारे पास वैसे कॉल हो रहा है। बेसिकली ये क्या हो रहा है, जो चीज़ जब चलनी चाहिए उस हिसाब से ये चीज़ चल रही है। तो मैं आपको अब इसका लॉग में भी दिखा देता हूँ, जैसे मैं लॉग पे गया, लॉग कैट पे, और यहाँ पे मैंने टैग में क्या डाल रखा था, टी ए जी, तो मैंने यहाँ पे टैग को कॉल किया। अब यहाँ पे आप देखो, अभी यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, एप्लीकेशन को करूँगा क्लोज, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। तो क्लोज़ करते आपको देखो यहाँ पे तीन चीज़ें, यहाँ पे ऑन स्टॉप आई एम रनिंग, ऑन पॉज आई एम रनिंग, ऑन स्टॉप आई एम रनिंग और ऑन डिस्ट्रॉय आई एम रनिंग, मतलब यहाँ पे ये तीन चार चीज़ें यहाँ पे कॉल हो गई। मैं वापस एक्टिविटी लाइफ साइकिल वाले एप्लीकेशन को ओपन करूँगा और यहाँ पे आप देखना, जैसे मैंने ऑन किया तो यहाँ पे टैग में हमारे पास कुछ चीज़ें आनी चाहिए थी, वो आई नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे होम वाला बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, देखना ऑन पॉज यहाँ पे कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे मैंने होम दबाया, ऑन पॉज और ऑन स्टॉप ऑटोमेटिक क्या हो गया,
कॉल हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको वापस क्लिक करूँगा तो आई एम रनिंग मतलब कौन सा ऑन रीस्टार्ट और ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम यहाँ पे कॉल हो गया, यानी कि स्टॉप होने के बाद यहाँ पे हमारे पास तीन मेथड कॉल हुए जो कि मैं आपको एक्टिविटी लाइफ साइकिल में दिखाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे ऑन स्टॉप हुआ तो वहाँ पे तीन मेथड कॉल हुए हमारे पास, ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। जैसे मैंने मतलब पॉज कर दिया था उस एप्लीकेशन को, जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टॉप हो गया तो यहाँ पे के बाद क्या डायरेक्ट कॉल होता है, ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। देखो सेम क्रम में हमारे पास यहाँ पे भी ये चीज़ें चल रही है। अब जैसे मैं क्या करूँगा, जैसे इस एप्लीकेशन को मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रॉय करूँगा, यानी कि इस एप्लीकेशन को मैं क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पे देखना ऑन डिस्ट्रॉय यहाँ पे कॉल हो जाएगा। लेकिन ऑन डिस्ट्रॉय का हमारे पास नोटिफिकेशन या फिर सॉरी क्या बोलते हैं टोस्ट हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि वो क्या होता है टोस्ट शो करने से पहले एप्लीकेशन क्या कर देता है क्लोज कर देता है, तो वो टोस्ट हमारे पास यहाँ पे कॉल ही नहीं हो पाता है। अब जैसे कि मैं वापस एक बार एप्लीकेशन को चलाऊंगा, दिखाना चाहता हूँ लास्ट जो है हमारा ऑन। अब मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया ना तो यहाँ पे क्या किया ऑन पॉज और ऑन स्टॉप यहाँ पे कॉल हुआ है, जबकि मैंने होम वाला बटन पे क्लिक किया। अब मैं वापस यहाँ पे करता हूँ क्लिक, ऑन रीस्टार्ट और ऑन रिज्यूम यहाँ पे कॉल हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तब देखना अभी कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ भी कॉल नहीं हुआ। क्यों कॉल नहीं हुआ, क्योंकि वो जो हमारा एप्लीकेशन है वो रनिंग स्टेट में है। ठीक है, अब मैं वापस चला रहा हूँ, अभी भी कुछ भी कॉल नहीं हुआ। ठीक है, और ना मैसेज हमारे पास ना टोस्ट आया है। अब जैसे मैं होम बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या कॉल होना चाहिए, ऑन पॉज हमारे पास कॉल होना चाहिए और ऑन पॉज ही कॉल हुआ है। ठीक है, लेकिन जब ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक कॉल हो जाए मतलब बंद हो जाएगा तो वहाँ पे हमारे पास ऑन स्टार्ट भी कॉल हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास एक्टिविटी की लाइफ साइकिल होती है वैसे हमारे पास क्या होती है फ्रेगमेंट की भी लाइफ साइकिल होती है। तो फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल हम किसी और वीडियो में सीखेंगे या फिर आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, उसमें भी हमारे पास वो सिखा रखा है हमने। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है तब उस चीज़ को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। जैसे कि हम ऑन क्रिएट में हम कौन कौन सी चीज़ों को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, जैसे कि हमें कोई डिज़ाइन बनाना है, यानी कि जैसे हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो तो हम उसको क्या करेंगे ऑन क्रिएट में क्रिएट करेंगे। जैसे हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम यार ऑन रिज्यूम में डाल रहे हैं तब हमारे पास एप्लीकेशन हमारा क्रिएट करना स्टार्ट हो, या फिर हम ऑन स्टॉप में डाल रहे हैं तब हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो। जो भी मतलब हम लेआउट बनाते हैं तो वो हम किस में करते हैं ऑन क्रिएट में ही कॉल कर लेते हैं, यानी कि उसमें ही हम उसको बना देते हैं। अब कुछ ऐसा टास्क जो आप चाहते हो और एप्लीकेशन के स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाए मतलब स्टार्ट हो जाए वो काम, तो आप उसको क्या करोगे ऑन स्टार्ट में करोगे। जैसे जो काम आपको ऑन रिज्यूम में करवाना है, जैसे मैं मतलब एप्लीकेशन अब रनिंग हो गई तो मान के चलो आपको कुछ एनिमेशन आपने लगाया है, तो वो एनिमेशन अगर आप मान के चलो ऑन स्टार्ट में ही करवा रहे हो तो उसका कोई सेंस भी नहीं बनता कि आप क्योंकि वो चीज़ दिखेगी नहीं। जब तक अपना एप्लीकेशन पूरा क्रिएट नहीं हो जाएगा तब वो चीज़ दिखेगी नहीं। तो जब हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो जाता है तो जब चलने लग जाता है तो वो कौन से स्टेट में होता है, ऑन रिज्यूम स्टेट में होता है। तो हम ऐसे काम जो हमें चलते हुए दिखाने हैं तो उनको हम किस में करते हैं ऑन रिज्यूम में हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फिलहाल आपके ये कोई काम ज़्यादा आएगा नहीं, लेकिन जब आप एप्लीकेशन कंपनियों के लिए काम करोगे तब आपको पास ये चीज़ें काम में आएगी और डेफिनेटली आएगी। जैसे कोई मान के चलो आपने किसी एप्लीकेशन में लॉगिन करवा रखा है यूज़र को और आपको चेक करवाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप ऑन रिज्यूम में उसको आप जाके आप उसको चेक करवाओगे, आप उसको क्या करोगे ऑन क्रिएट में या फिर ऑन स्टार्ट टाइम पे ही आप उसको चेक करवा लोगे कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो और एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में अच्छे से समझ में आ गए तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर दें। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब से कुछ वीडियो जो है आपके पास ऐसी ऐसी वीडियो आएगी जो हमने पहले से को टॉपिक कवर कर रखे हैं। जो ऐसे वीडियो जो आपको लगते हैं जिनकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है या फिर उसमें वॉइस में इशू है या फिर क्या बोलते हैं आपको टॉपिक अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसे टॉपिक को भी हमें इन वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक को या फिर इस वाले वीडियो को क्वालिटी ख़राब है यहाँ पे तो आप इनको सही कर दो, तो हम वो करने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, बस आपको एक काम करना है कि हमें आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।